जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके साथ रूबरू हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक विशेष टॉपिक मैथ का आज डिस्कस करने वाला हूं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जो वो रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि सीएचएसएल का नोटिस जारी हो चुका है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा है यूनिट डिजिट, जिसको कहते हैं इकाई का अंक, यानी कोई भी संख्या दी हुई होगी तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से हम समझते हैं, ऐसे लिखा हुआ है और इस पे दिया हुआ है 245 या 254, ये लिखा हुआ है, तो ये संख्या दी रहेगी और पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हो पावर, जो भी पावर की वैल्यू दी हो उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 4 जा 4 6 जा 24, 1 बचा 1 और 40 4 40 4 4 3 जा 12, 2 बचा यानी 2। अब जो भी यूनिट डिजिट है उसका पावर 2 कर दीजिए यानी 9, इसका 3 पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9। ठीक है, ऐसे ही हम सभी डिजिट को देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम 2 लेते हैं। अगर 2 हो तो क्या क्या आएगा, तो 2 हो अगर उसकी पावर में रिमाइंडर में 1 बच रहा हो तो 2 आएगा, क्योंकि 2 पावर 1 2 होता है। 2 पावर 2 हो तो इसका करेंगे तो 4 आएगा, 2 पावर 3 हो तो 8 आ जाएगा और 2 पावर 4 हो तो 16 आएगा यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 2572 ते होल पावर 789। अब इतना बड़ा नंबर लिखा है पावर में तो उतना पावर हमें उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन होगा, तो हम क्या करते हैं सीधे सीधे जो पावर की वैल्यू है 789 इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 बन जा 4, 3 रिमाइंडर हुआ, 3 बचा, 3 और 8 38 हो गया, तो 4 6 जा 4 9 जा 36, 2 बचा 29, 4 7 जा 28, 1 बचा, 1 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 1 हो गया रिमाइंडर। तो हमारे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 पे 1 बचेगा रिमाइंडर, यानी 2 का जब 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 2। इससे ये फिक्स हो गया कि इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल से और हम समझते हैं, और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2578 कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है 22 पावर 23, एसएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट पूछा है इकाई का अंक पूछा है इसमें क्या होगा, तो वही फार्मूला हम अपनाएंगे, जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, बचा कितना रिमाइंडर 3, 3 बचा तो 2 का पावर, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो इसका पावर 3 कर देंगे, जितना भी रिमाइंडर आता है तो 8, यानी इसका 8 आया। यूनिट डिजिट इसका कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 6 8 2 4 6 8, तो ऑप्शन 8 इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब देखिए दो और क्वेश्चन हैं जो कि AAOO में आया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन है जो SSC में आया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले 13 पे पावर 1 2003 यानी 2003। अब इसमें भी पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो 13, अब 2003 जो पावर है उसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, 0 बचा, 0 लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है,
तो तीन रिमाइंडर हो गया यहाँ भी, तो तीन यानी थ्री यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, तीन है, तीन पे पावर तीन करेंगे तो तीन गुणे तीन यानी सत्ताईस, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा सत्ताईस। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 7931, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 7931, ठीक है, तो सात ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं 7 पावर 105 को, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 7 पावर 105 यहां भी वही करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करिए तो 4 2 8 2 बचा, 4 6 24 1 बचा, तो 7 पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं यूनिट डिजिट के, अब देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि 584, 584, 328, 547 और 613, इनमें बोला गया है सभी का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो ठीक है, हम इकाई का अंक अगर हमें पता करना है तो केवल इकाई के अंकों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 84 जा 32, 32 7 जा या तो ऐसे कर लीजिए 7 3 21 इकाई का अंक बनाया, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 8 7 और 3, ठीक है, 8 6 32 32 7 7 2 14 और 3 3 6 12, यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है 2, ठीक है, तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 2। ऑप्शन है इसका 2 3 4 5, इसके ऑप्शन है 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। फिर से कर लेते हैं, देखिए जब भी एक मल्टीप्लाई में दिया हो संख्या तो इसको इकाई का अंक पता करने के लिए हम क्या करना होगा, 4 से 8 में गुणा करें तो 8 6 32 2 आएगा इकाई का अंक, 2 का 7 में गुणा करें तो 7 2 14 आया इकाई का अंक 4, और फिर 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 यानी 2 आएगा इकाई का अंक, ठीक है। केवल लास्ट डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट वाली इकाई के अंक का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्या आएगा। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब इस क्वेश्चन में बताना है 5627 के पावर 153 और 671 के पावर 72, अब इस क्वेश्चन में बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है, इकाई का अंक क्या आएगा। अब ये जान लीजिए अगर 1 से कोई भी पावर हो, चाहे 100 हो 200 हो 300 हो, क्या आता है हमेशा लास्ट में 1 ही आता है, तो ये तो 1 हो गया, इसका इकाई का अंक 1 हो गया, कोई डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, चाहे कितनी बार में मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। और इसमें 153 में 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 3 12 3 बचा, 3 4 8 32 1 बचा, यानी 7 पे पावर 1, जब हम 7 पे पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 7 ही आएगा, जब दोनों का गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1379, तो हमारा 7 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 पे पावर 95, ये आया हुआ क्वेश्चन है 7 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, ये भी एसएससी में आया हुआ 2010 का क्वेश्चन है, इकाई का अंक कितना होगा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2010, ठीक है, इकाई का अंक पूछा है यूनिट डिजिट, तो देखिए हम क्या करेंगे 1999 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से विभाजित करेंगे, 4 4 16 3 बचा 39, 4 9 36 36 3 बचा 4 9 36 3 बच गया, तो यानी 7 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 का हमने बताया था 1 ही आता है, माइनस 7 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे भी,
तो क्योंकि यूनिट डिजिट 7 है तो ये कट गया, क्या गया सीधे सीधे 1 आ गया, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 और कुछ नहीं, 1, 2, 3 और मन ऑफ बीच, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यूनिट डिजिट के। कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 पावर 95 और 3 पावर 58 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो 7 पावर 95 यानी हमें यहाँ पे पहले यूनिट डिजिट पता करना होगा, तो 95/4 करेंगे, 4 × 8 और 4 × 4 एक बचा, यानी 7 पावर 1 हो गया। माइनस यहाँ पे भी 58 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 × 4 यहाँ एक बचा 18, 4 × 4 = 16 यहाँ 2 बचा रिमाइंडर, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7/1 करेंगे तो 7 ही आएगा, माइनस 3/2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो 9 तो माइनस होगा नहीं, तो 17 यहाँ ये 10 में से माइनस होगा, 10 में 17 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 17 में से 9 गया 9 × 8 = 17, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। कहीं मिस्टेक हो गया लगता है क्योंकि ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो देखते हैं फिर से, तो फिर से करते हैं इसको। 7 पावर 95 तो 7 पावर 95 में यानी 95 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 × 2 = 8 1 बचा तो 4 = 15 हो गया, 15 तो 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ओके। तो बचा क्या 3 बचा, 3 बचा तो 7/3 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 58 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16 बचा 3/2 7 का पावर 3 करेंगे तो 3 × 4 = 3 आता है, माइनस 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, यूनिट डिजिट 3 माइनस 9, तो 3 में से 9 माइनस नहीं होगा तो 4 यहाँ से एक रिमाइंडर कैरी जाएगी तो हो जाएगा 13, 13 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक 4 आ जाएगा। वहाँ पे हमने डिवाइड करने में यहाँ पे 1 लिख दिया था, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो ये रहे यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन रेलवे में भी आता है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे आपके साथ। थैंक यू।